हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो बहुत ही बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है, तो इसलिए आप इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। कहीं भी डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, और जो पहली बार चैनल पर आ रहे हैं मेरे भाई बहनों, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि डे बाई डे उन्हें अपडेट मिल सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके और बोर्ड में बिल्कुल अच्छे मार्क्स को अपटेनिंग कर सके। ओके, तो चलिए सर जी शुरू करते हैं और अच्छे से क्वेश्चन को समझते हैं। ध्यान से बस देखिएगा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये 24 है सर, क्योंकि प्रीवियस में हमने 23 तक वीडियोस में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवर कर दिया है। अब जो है बेसिकली आगे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ओके, जो कि ये बेहद ही 3 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर राइट डाउन किया है, जो कि बेहद ही एक आपस में हर कोई अलग अलग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है और काफी इंटरेस्टिंग है, जिसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा। लेकिन क्वेश्चन है 24, और अरुणा हैज ओनली 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइंस विद हर। मतलब कि एक अरुणा नाम का बच्चा है, जो बेसिकली अरुणा हैज ओनली 1 रुपीज एंड, अरुण होता तो मेल फीमेल से कोई दिक्कत नहीं, 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइंस विद हर, इट द टोटल नंबर ऑफ जो है कॉइंस दैट शी हैज 50 रुपीज। इन्होंने कहा कि उसके पास जो टोटल कॉइन की संख्या है वो कितना है, 50 है। आगे भाई साहब ने कहा एंड अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज 75। मतलब उसके पास वो दोनों कॉइन को मिलाकर के, 1 रुपी और 2 रुपी कॉइन को मिलाकर के उसके पास कितना हो जाता है, 75 रुपीज हो जाता है। आगे बोला गया कि देन द नंबर ऑफ 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइंस आर रिस्पेक्टिवली। तो उस पर्टिकुलर केस में 1 रुपी और 2 रुपी कॉइंस को क्या करना सर जी, फाइंड आउट करना है। बोलो बस समझ में आया कि नहीं, क्लियर। अब इस तरीके से जो है आप मेरे भैया मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 1 रुपी कॉइन जो है सर, लेट कर लेते हैं कि जो 1 रुपीज कॉइन है सर वो कितना है, x मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपका 2 रुपीज कॉइन क्या मान लीजिए सर, y रुपीज मान लीजिए। बोलो क्लियर हो गया। अब इस तरीके से दो टोटल सम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ का मतलब सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, तो x plus y कितना होगा, टोटल जो कॉइन की संख्या होगी सर वो 50 होगी। टोटल कॉइन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 50 होगी। अब इस तरीके से एक इक्वेशन तो आपके पास ही आ गया। अब इन्होंने भाई साहब ने कहा कि जो 1 रुपी कॉइन है और 2 रुपी कॉइन है टोटल उनका पैसा मिला करके, तो मान लेते हैं x रूप मतलब x टोटल पैसा लिखिए तो x into 1, ठीक है। और इसके बाद y रुपी जो है कि मतलब y कॉइन है, तो y कॉइन में मतलब 2 रुपए टोटल मिला के तो कितना हो जाएगा सर, 2y हो गए, इक्वल टू कितना की 75 बन जाएगा सर, कितना बन जाएगा 75 रुपीज। मतलब जैसे मान लीजिए सर कुछ 1 रुपी के 20 कॉइन है, 25 कॉइन है या 30 कॉइन है, आई डोंट नो, ठीक है, और बाकी 2 रुपी कॉइन है तो 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ करके तभी तो बनाओगे 75 रुपीज। बोलो क्लियर है या नहीं। इस तरीके से मेरे भैया लोग x into 1 कर दिया, मतलब x रुपी की कॉइन की संख्या आ गई, मतलब x रुपी की कॉइन का टोटल रुपया आ गया। 2 into y मतलब ये हो गया कि 2 रुपए कॉइन का मिला करके कितना पैसा बन रहा है, और दोनों का जो सम है वो कितना बना, 75। दैट मींस क्या गया सर, x plus 2y बराबर क्या गया सर, 75 आ गया। अब देखिए सर, दो अननोन दो इक्वेशन, तो क्या कर देखिए सर, x का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट 1, एलिमिनेशन मेथड यूज कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए सर, y में से ये x से x कैंसिल हो जाएगा, y में से -2y गया तो -y, 50 में से 75 गया -25 आ गया सर, तो इस फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। बोलो आया समझ में, यानी क्लियर। अब इस तरीके से सर जी नेक्स्ट है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपने y की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दिया तो 25 प्लस y बराबर कितना आ गया सर, 50 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ गया, 50 माइनस 25, दैट मींस कितना आ गया, अगेन आपके पास x भी जो आ गया सर वो भी कितना हो गया सर, x कितना आ गया, 25 आ गया। बोलो क्लियर। तो आपने y की वैल्यू पुट कर दिया, चाहे इधर लिख दिया समथिंग, तो उसे परेशान नहीं होना मेरे भाई बोलो, तो 25 प्लस x बराबर 50 हो गया, दैट मींस x बराबर भी प्लस इधर उधर जाएगा, माइनस हो गया, 50 माइनस 25 इक्वल टू कितना आ गया, 25 आ गया। तो ऑप्शन देखिए सर, ये 35 50 50 हो रहा है, 35 20 जोड़ेंगे तो सर ज्यादा हो रहा है, 15 35, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी नहीं हो सकता था। देखिए सर, 25 and 25 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बताना था कि बेसिकली उसके पास 1 रुपए कॉइन कितने हैं, 2 रुपए कॉइन कितने हैं, तो ये आपको सॉल्व करना था। तो एक्स के भी कॉइन कितने होंगे, 25 होंगे। देखो अब जाहिर सी बात है, देखो 25 रुपये, 25 गुणे कर दिया और इसके बाद आपका 2 into 25 कर दिया, जोड़ लीजिए सर, 25 एकम 25 और 50 पूछ लिया जाता है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, क्यों मेरे भाई बहनों। आगे नेक्स्ट दिन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मैं अभी ऊपर वाले ऑप्शन को इरेज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। बोलो क्लियर हो गया मेरे भैया लोग, एनी डाउट देख लीजिए। ओके सर, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखिएगा, काफी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके चलिए देखिए सर लोग, अब ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25 आपसे ये कह रहा है कि भैया जो है इसमें आपसे बोला गया है, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिए। जैसे इन्होंने भाई साहब ने कहा कि फ्रैक्शन बिकम्स 4, एक फ्रैक्शन है, अब वो फ्रैक्शन क्या हमें तो नहीं पता, लेट कर लेते हैं सर, मान लेते हैं कि वो फ्रैक्शन हमारे पास क्या है सर, एक्स बाई वाई है, क्या है सर जी, एक्स बाई वाई है। अब इस तरीके से इन्होंने कहा कि वो फ्रैक्शन बेसिकली बिकम्स 4 हो जाता है, वो कब होता है उसका इन्होंने आगे रीजन दिया, बोला भैया कि जब 1 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मींस ये जो हमारे पास बेसिकली मींस एक तरीके से फ्रैक्शन गिवन है, जब हम उसमें 1 को जोड़ते हैं और न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो उस केस में हमारे पास जो फ्रैक्शन होता है वो 4 के इक्वल हो जाता है, वो 4 के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। जरा इसको सॉल्व करिए सर जी, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, केस 1 बन रहा है ना भी, तो x + 1 = 4 टाइम्स क्या है सर, y + 1 आ गया। इस तरीके से x + 1 हो गया, 4 टाइम्स y हो गया, एंड 4 * y 4y हो गया, + 4 1 जब 4 हो गया। अब इस तरीके से वेरिएबल की तरफ करिए, + 4y है तो इधर आ गया माइनस 4y, ये प्लस 1 उधर जाएगा तो 4 माइनस 1 दैट मींस कितना आ गया 3 आ गया, तो x माइनस 4y इक्वल टू कितना हो गया सर 3 हो गया। बोलो आया समझ में। अब मेरे भाई बहनों की इसी क्वेश्चन नंबर 1 आप टेक कर लीजिए। अब भाई साहब आगे कह रहे हैं कि एंड इट बिकम 7 हो जाता है, आगे ये तो पहले केस से पहले क्वेश्चन बन गया कंडीशन से, दूसरा कंडीशन ये कह रहा है कि एंड इट बिकम्स 7 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब आपसे ये कहा गया कि जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब 1 का हम डिक्रीमेंट कर देते हैं, मतलब सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में हमारा जो फ्रैक्शन है वो आपका 7 के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से x माइनस 1 अपन क्या हो गया सर, y माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया सर 7 आ गया। बोलो आया समझ में, न्यूमरेटर x था 1 सबट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर y था उसमें से 1 सबट्रैक्ट किया, इक्वल टू कितना आ गया सर 7 आ गया। बोलो आया समझ में, यानी क्लियर। अब इस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मेरे भाई बहन, तो इस तरीके से x माइनस 1 हो गया और ये y उधर मल्टीप्लाई हो गया तो 7 * y माइनस, ठीक है। अब इस तरीके से x माइनस 1 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 7 * y करेंगे तो 7y हो गया, 7 1 जा कितना हो गया 7 हो गया। ओके अब इस तरीके से एक साइड करेंगे तो x माइनस क्या हो गया 7y हो गया और ये माइनस 7 है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, दैट मींस क्या आ गया सर जी माइनस 6 आ गया, तो x माइनस 7y इक्वल टू क्या आ गया 6, इक्वेशन नंबर क्या बन गया सेकंड बन गया। अब भाई साहब ने हमसे पूछा गया तो हमने तो ये दो इक्वेशन बना लिए, दो कंडीशन भाई साहब ने दे रखा था। ओके अब भाई साहब कह रहे हैं कि द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन, तो हमें क्या बताना सर न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में देखिए कौन सा आ गया x की वैल्यू बतानी, क्या बतानी सर जी x की वैल्यू बतानी है। बोलो क्लियर है, यानी बातें सर कैसे निकालेंगे, मैंने कहा बड़े सिंपल तरीके से भाई निकालेंगे, जरा दर्शन करिए बस के, आपके पास क्या देखो सर x यहां पे कोफिशिएंट लिखे सर, x का कोफिशिएंट या 1 है, यहां भी x का कोफिशिएंट क्या है सर 1 है, तो ये x का कोफिशिएंट 1 है तो क्या करते हैं सर सबट्रैक्ट कर लेते हैं, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 कर लिए सर जी, 1 एंड 2 को सबट्रैक्ट कर लिया आपने, तो इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग क्या आ गया सर जी x में से x जाएगा, देखो इसको लिख लेते हैं सर x - 4y, क्योंकि जल्दबाजी में चाहिए कि ऑप्शन तुरंत गलत हो जाएगा सर, x - 7 - 6 सबट्रैक्शन कर रहे हैं तो ये माइनस हो गया, तो इस तरीके से ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, जो आपका नीचे वाली लाइन होती है मतलब सेकंड जो रो होता है उसका साइन चेंज होता है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन क्या करता है अपोजिट कर देता है। ओके ये माइनस है तो ये क्या हो गया सर प्लस हो गया। अब जरा देखिए एक्स एक्स का हो गया कैंसिल हो गया, अब ये 7 में से 4 गया कितना गया 3y हो गया और ये बन गया सर 6 और मतलब ये 9 हो गया। बोलो क्लियर है, क्योंकि प्लस हो गया ना 6 और ये 3 9 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 9/3, दैट मींस कितना आ गया सर जी y आपके पास आ गया 3 आ गया। बोलो क्लियर है, अब y की वैल्यू किसी की इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए आंसर आपके पास आा जाएगा। लेट्स सपोज इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने निकाल दिया सर जी वैल्यू, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने सॉल्व किया तो x - 4 * 3 हो गया इक्वल टू 3 आ गया, दैट मींस x - 12 हो गया, इधर 3 - 12 है सर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 + 12 तो x बराबर कितना आ गया सर 15, यही हमारा क्या है सर न्यूमरेटर है। बोलो क्लियर है, ये क्या है सर हमारा न्यूमरेटर, x इज न्यूमरेटर, तो वैल्यू है ऑप्शन क्या है सर 15, देखिए सर 2 3 5 15, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बोलो आया समझ में आनी सर, क्लियर है यानी, तो मेन चीज क्या है सर कॉन्सेप्ट को समझना, ये कॉन्सेप्ट आ गया तो समझो न्यूमेरिकल फटाक से निकलेगा और आंसर का आनंद लेंगे। बोलो बस समझ में आया कि नहीं मेरे भाई बहन, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था सर, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आगे है सर, स्पीड का क्वेश्चन है, आप लोगों ने एक्सरसाइज पढ़ा होगा एनसीईआरटी में जब, तो आपने 3.6 में हमारे ख्याल से स्पीड के क्वेश्चंस आपने किए होंगे। बोलो बस समझ में आ गया कि नहीं, किसी को इसमें दिक्कत मेरे भाई बहन, चलिए सर इसको रीच कर लो, ध्यान से देख लीजिए, कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से केवल देखते चलना है और समझते भी चलना है, परेशान बिल्कुल आपको नहीं होना है। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझते जाइए।
अब यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है सर जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान से देखिएगा सर भाई। सर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बोट है, ध्यान दीजिए, ए बोट ट्रैवल्स विद स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है भाई, मतलब स्टिल वाटर रुके हुए पानी। अगेन आपसे ये कहा गया इन रिवर फ्लोइंग 85 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना भैया। तो इस तरीके से आपका जो फ्लोइंग वाटर का स्पीड दे रखा है, तो इस पर मतलब स्पीड ऑफ करंट भी बोल सकते हो। तो इस तरीके से 5 किलोमीटर पर आवर जब मतलब वाटर मूव करता है, तो उस पर्टिकुलर को इसमें से क्या बोलते हैं, फ्लोइंग वाटर या स्पीड ऑफ करंट बोलते हैं। इन्होंने कहा कि द बोट ट्रैवल्स सम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, अब वो डिस्टेंस हमें नहीं पता है, मान लेते हैं डाउन स्ट्रीम चलता है एंड देन रिटर्न मतलब अप स्ट्रीम चलाता है। तो उस केस में उन्होंने कहा कि द रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड टू द स्पीड इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर कितना है 15 है, तो हमें क्या करना है आपका रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड निकालना है। बताइए कैसे निकलेगा, बड़ा ही सिंपल सा कांसेप्ट सीखे जरा पहले सब कम। तो स्पीड इन याद रखना सर जी, स्पीड इन अपस्ट्रीम की जब बात करते हैं सर, तो अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है कि जो स्टिल वाटर होता है और फ्लोइंग वाटर होता है उसका जो डायरेक्शन होता है सर सेम हो जाता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है सेम हो जाता है। आप देखोगे सर, आपने पढ़ा होगा रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड में क्या होता है सर जी, उस केस में जैसे एक्स और वाई दोनों सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या हो जाता है एक्स माइनस वाई हो जाता है, ठीक है। एक का दूसरे के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करते हैं तो एक्स माइनस क्या होता है वाई, तो यहाँ पे भी सेम वही चीज हो गया, एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर क्या हो गया सर आप हो गया, ओके। इसके बाद जो है स्पीड इन डाउन स्ट्रीम जब आप करते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो स्टिल वाटर होता है तो उस केस में स्पीड इन डाउन स्ट्रीम करते हैं तो पानी ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, आप नीचे जा रहे होते हो, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, और जब डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाता है सर आपका साइन प्लस हो जाता है। तो स्पीड इन डाउन स्ट्रीम अगर हम बात करें तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास क्या आ गया सर एक्स प्लस क्या आ गया सर वाई किलोमीटर पर आर हो जाएगा। बोलो आया समझ में आने, क्लियर। अब ये जो चीजें आपके पास है तो देखिए जरा सर जी, यहाँ पे बोट ट्रैवल्स विद स्पीड इन 15, तो आप स्ट्रीम के केस में जब बात करें तो आपके स्ट्रीम वाटर में कितना 15 है, तो 15 माइनस 5 हो जाएगा सर, क्योंकि आपका फ्लोइंग वाटर जो है वो 5 किलोमीटर पर आ रहा है, y क्या है फ्लोइंग वाटर स्पीड ऑफ करंट है, ओके। तो इस तरीके से जो है आपका कितना आ गया सर जी, मींस 15 माइनस 5 10 किलोमीटर पर आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। इसी तरीके से आप डाउनस्ट्रीम का केस फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 प्लस 5 हो गया किलोमीटर पर आ रहा हो गया सर जी, तो इस तरीके से आपका आ गया 20 किलोमीटर पर आ रहा गया। बोलो आया समझ में, यानी क्लियर हो गया। अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम आ गए, अब टाइम निकालें तो आपने पढ़ा है सर स्पीड इक्वल टू क्या पढ़ा सर डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा, ठीक है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब केस 1 ये है, तो t1 आपके पास कितना हो जाएगा सर जी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड मतलब यहां पे स्पीड इन अपस्ट्रीम में यूज कर रहे हैं, उस केस में अपन कितना हो जाएगा सर 10 किलोमीटर, ठीक है भैया, ये आपका r होगा, ओके, ये t1 हो गया। इसी तरीके से आप डाउनस्ट्रीम के केस में फाइंड आउट करेंगे स्पीड तो क्या हो जाएगा d अपन कितना हो जाएगा सर 20 हो जाएगा। बोलो आया समझ में। अब ये बेसिकली हमारा क्या है, सम डिस्टेंस को हमने मान लिया सर d माना, क्या माना सम डिस्टेंस को d मान लिया है। अब उस केस में सर जी आपका जैसे लेट सपोज इतना चले, फिर इस तरीके से पहले डाउनस्ट्रीम चले, फिर इसके बाद आप अपस्ट्रीम चले, तो इस केस में चले तो x + y हो गया और ये आपका क्या हो गया x - y हो गया जब आप अपस्ट्रीम में गए, तो इस तरीके से मान लेते हैं डिस्टेंस d है, क्लियर है ना भाई। बोलो आया समझ में। अब इस तरीके से मेरे भाई बहन लोग यहां पे t1 भी आ गया, t2 भी आ गया, अब एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं। तो एवरेज स्पीड की जब आप बात करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय क्या होता है टोटल टाइम टेकन होता है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय d जा रहा है d आ रहा है, तो उस केस में d प्लस कितना हो जाएगा d हो जाएगा, ओके। और इसके बाद जो टाइम टेकन है वो सर t1 प्लस क्या हो जाएगा टोटल टाइम टेकन t1 और t2, क्लियर। अब इस तरीके से जो एवरेज स्पीड आपके पास आ गया सर जी, यदि आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो d प्लस d कितना हो गया 2d, और यहां पे देखिए सर d बाय कितना है, डी बाई 10 है t1 और दूसरा क्या है डी बाई 20, ओके। अब इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो उस पर्टिकुलर केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी सर जी वो बड़ी ही मतलब ध्यान से देखिएगा, तो एवरेज स्पीड आपके पास जो आ गया सर जी, हाँ एलसीएम टेक करें, देखिए डी डी तो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना, तो आपके पास सर जी 2d और d हमने कॉमन कर लिया, 1 बाई क्या बन गया सर 10 बन गया प्लस 1 अपॉन क्या आ गया सर 20 आ गया, बिल्कुल क्लियर। इस डी से डी क्या हो गया सर कैंसिल आउट हो गया, अब 2 अपॉन देखिए सर एलसीएम लेंगे 20 आएगा सर, यहाँ पे क्या हो गया सर जी 2 हो गया और प्लस 1 हो गया, बिल्कुल क्लियर है। तो ये 20 क्या सर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स क्या गया 2 × 20 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, दैट मींस क्या आ गया सर 40 बाय क्या आ गया 3 किलोमीटर पर आर आ गया। ये आपके पास क्या बन के आ गया सर जी, ये आपके पास आ गया है एवरेज स्पीड 40 बाय 3 किलोमीटर पर आर। अब देखो सर ये निकालने का क्या हो गया तरीका हो गया। अब ये भाई साहब ने क्या पूछा था हमें, रेशियो पूछा था एवरेज स्पीड टू द स्टील वाटर, तो एवरेज स्पीड कितना है 40 बाय 3, ठीक है ना भाई, तो आपने क्या किया 40 बाय 3 रेशियो लिख लिया,
ठीक, रेशियो 40/3 अपॉन कितना है सर 15 है, बोलो क्लियर है, कितना है सर 15, तो ये 3 आपका क्या सर इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मींस 40 अपॉन 3 इनटू कितना आ गया 15, तो इस तरीके से 5 टेबल कैंसिल कर लीजिए, 5 8 40, 5 3 15, तो इस तरीके से 8 अपॉन 3 इनटू कितना आ गया 3, दैट मींस 8 अपॉन क्या आ गया 9, दैट मींस रेशियो क्या हो गया 8:9 हो गया। ऑप्शन में जरा चेक करिए सर जी, देखिए इसका गलत भैया भी बैठा हुआ 9:8 वाला, पर ऑप्शन क्या है 8:9 इज द राइट आंसर। तो देखिए सर ये बेसिकली जो स्पीड एंड बोर्ड का क्वेश्चंस होता है काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होता है, तो आप लोगों से मैं यही कहूंगा कि कायदे से बिल्कुल कर लेंगे, कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलेंगे, बस आपको क्या है इसी चीज को यदि आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप फटाक से ये तरीके बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं, फटाक से आप स्टीम निकालेंगे डाउन शॉप, जैसे मैं यहाँ लिख के बताता हूँ सर, अब इसी चीज को आपको बिल्कुल सिंपल वे तो हम समझा रहे सर, अब शॉर्ट ट्रिक देंगे तो दिक्कत, आप समझिए जरा शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आपने क्या किया आप स्टीम में निकाल दिया 15-5 कर दिया 10 आ गया, इसके बाद यहाँ जोड़ दिया समथिंग आ गया, फिर इसके बाद फटाक से आप यहाँ पे देखा है, तो मैं आप लोग से बस इतना ही कहूंगा मेरे भाई बहन लोग काफी अच्छी तरीके से बेसिकली बोर्ड की तैयारी करिए क्योंकि आपको फुल में फुल मार्क्स ऑब्टेन करना है, आई बस समझ में नहीं, इसलिए जल्दी से जो भैया लोग पहली बार जुड़ रहे हैं मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जो है बेसिकली अच्छी तरीके से अपने एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करें, हमारे बस एक चैनल पर जो सारे वीडियोस क्या है अपलोड हो चुके हैं, मतलब एनसीईआरटी का चैप्टर 1 से लेकर के अप टू 15 तक, और इसके साथ ही साथ अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हमने शुरुआत कर दी है, आज लगभग 3 चैप्टर बेसिकली मल्टीपल चॉइस भी जितने पैटर्न का क्वेश्चंस बन सकता है वो हमने सारे इसमें मतलब एक तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो आप कृपा करके कायदे से इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़िए, कहीं पर भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलिए, आगे कल हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।